कांग्रेस की बीजेपी को चेतावनी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी नहीं दिया तो छेड़ेंगे आंदोलन। कहा, आतंक खत्म करने के लिए केंद्र का प्रदेश की चुनी हुई सरकार के साथ काम करना जरूरी। महाराष्ट्र में चुनावी मैदान में उतरेंगे नवाब मलिक, 29 अक्टूबर को दाखिल करेंगे नामांकन। अजित पवार की बड़ी परेशानी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पार्टी हाईकमान पर फूटा गुस्सा, बोले अब बिना मांगे नहीं दूंगा बीजेपी को राय। शहाबुद्दीन परिवार की हुई आरजेडी में घर वापसी, हिना शहाब ने बेटे ओसामा संग थामा लालू तेजस्वी का लालटेन। पीएम मोदी के मन की बात का 115वां एपिसोड, बोले डिजिटल अरेस्ट फरेब है, कोई एजेंसी फोन पर पूछताछ नहीं करती। कोलेजियम प्रणाली को लेकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का बयान, बोले संस्थागत सुधार की गुंजाइश का मतलब उसकी बुनियाद में ही खामी होना नहीं। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा सामने आकर चुनाव लड़ो ना, हमला क्यों करवाते हो, बोले बीजेपी ने बर्बाद कर दी दिल्ली। लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस को लेकर जेपी नड्डा के विवादित बयान पर संघ ने दी तीखी प्रतिक्रिया, आरएसएस महासचिव होस बोले ने कहा ऐसे मुद्दों को सार्वजनिक मंच पर बोलने की जरूरत नहीं। डीएमके ने मोदी सरकार पर फिर लगाया हिंदी थोपने का आरोप, बीजेपी सांसद बिट्टू की हिंदी में लिखी चिट्ठी पर कहा एक भी शब्द नहीं आया समझ। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस में भगदड़, 9 यात्री घायल, गोरखपुर जा रही ट्रेन में चढ़ने के लिए अफरा तफरी। कमला हैरिस के समर्थन में बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने की रैली, पुरुषों को पहली महिला राष्ट्रपति चुनने का दिया चैलेंज। अमेरिका में 8 दिन बाद होगा राष्ट्रपति चुनाव। मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए इसराइल और हिजबुल्ला से फ्रांस कर रहा बात, पिछले दिनों इमैनुअल मैक्रों ने 70 सीनियर अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों समेत लेबनान के नेताओं से की थी मुलाकात। इसराइल से निपटने के लिए रूस से भारत वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम चाहता है ईरान, इजरायली हमले को रोकने में ईरान का S-300 एयर डिफेंस रहा था नाकाम, तेहरान पर हमले से डरा शिया मुल्क। इजरायली हमले की थी रूस को खबर, दोस्त ईरान को बचाने के लिए पुतिन ने दी थी खुफिया जानकारी, रिपोर्ट में दावा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई बीमार, खामेनेई के बाद उनके दूसरे नंबर के बेटे मोजतबा बन सकते हैं उत्तराधिकारी, ईरान का सुप्रीम लीडर बनाने में IRGC का भी होगा हस्तक्षेप। कॉर्पोरेट्स के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ी, अब 15 नवंबर तक कर सकते हैं रिटर्न दाखिल, CBDT ने लिया फैसला। मध्यम आय वाले देशों को किफायती और सस्ता ऋण मुहैया कराए विश्व बैंक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अपील। श्रीलंका में लगातार 10 वनडे हारने के बाद जीता वेस्टइंडीज, एविन लुइस का शतक, शेरफेन रदरफोर्ड की 50, श्रीलंका में पिछली जीत 1993 में मिली थी। पुष्पा टू द रूल के मेकर्स ने किया खास ऐलान, 24 घंटे थिएटर में चलेगी फिल्म, 5 दिसंबर को होगी रिलीज। गर्लफ्रेंड सबा आजाद के साथ एक्स वाइफ के बर्थडे में आए ऋतिक रोशन, सुजैन के बॉयफ्रेंड असलान गोनी संग दिखाई याराना, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल।